तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, अच्छे होंगे। तो गाइज यार आज का टॉपिक है ग्रीन बेटर बर्ड के बारे में, जो कि गाइज यार आपको बता दूं सबसे ज़्यादा खेतों के अंदर पाया जाता है और वो कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहता है। और गाइज अगर आपको उसका बच्चा मिल जाता है तो उसके बच्चे को आप क्या खिलाएं और कैसे उसको बचा सकते हैं। तो गाइज यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। और गाइज यार आपको ऑल बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा और साथ में अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज यार ग्रीन बीटर बर्ड जो कि आपको नज़र आ रही होगी पिक, जो कि ये ग्रीन कलर के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। और गाइज अगर ये इनके जो बच्चे हैं घोंसले से नीचे गिर जाते हैं आंधी तूफान के अंदर, और वैसे जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो क्या है कि घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरा हुआ अगर आपको इसका बच्चा मिल जाता है तो इसे क्या खिलाना है? तो गाइज इसे आप एक तो पैरेट फीड है जो कि खिला सकते हैं आसानी से, जो कि हैंड फॉर्मूला जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और जो बर्ड और रखते हैं उनके पास भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ आप सेरेलेक है जो कि इन्हें खिला सकते हैं गाइज, उससे भी ये जो कि आराम से बच जाएगा बर्ड। दोस्तों आपको बता दूं जो कि क्या है कि ग्रीन बीटल के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि गाइज आपको अगर मिल भी जाता है तो वो क्या है कि चोंच नहीं खोलते हैं। तो गाइज आपको बता दूं जो कि आपको थोड़ा ज़बरदस्ती फीड कराना पड़ेगा चोंच खोलकर, और एक से दो दिन के अंदर गाइज जो कि इनका डर जो कि निकल जाएगा। डर निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी अगर आपको बर्ड मिलता है तो उसका पहले डर निकालें, जिससे क्या है कि फीड कराने में आपको आसानी होगी। तो गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।